कुल्लू जिला मुख्यालय ढालपुर क्रिकेट मैदान की खस्ताहाल स्थिति के कारण खिलाड़ियों को आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुल्लू दशहरा के दौरान अस्थाई मार्केट के लिए मैदान में जगह जगह गड्ढे किए गए हैं, लेकिन ना तो नगर परिषद और ना ही जिला प्रशासन द्वारा इन गड्ढों को सही तरीके से भरा जा रहा है। कुल्लू के क्रिकेट मैदान में दशहरा उत्सव के दौरान लगे अस्थाई मार्केट के कारण मैदान की हालत खस्ता बनी हुई है। मैदान के चारों ओर गड्ढे पड़े हुए हैं। कुल्लू जिला प्रशासन और नगर परिषद कुल्लू मैदान के रखरखाव के लिए सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है। मैदान में अस्थाई टेंट बनाने के बाद गड्ढे को नगर परिषद द्वारा पत्थर, ईंट, शीशे की खाली बोतलें व कूड़ा कचरा डालकर भरा जा रहा है, जिससे खेलने वाले खिलाड़ियों को चोट लगने की पूरी संभावना है। ऐसे में खिलाड़ियों ने जिला प्रशासन और नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां प्रदेश सरकार नशा मुक्त हिमाचल बनाने का प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी तरफ युवाओं को खेल से जोड़ने के लिए उचित सुविधा नहीं मिल पा रही है। एडीएम कुल्लू अक्षय सूद ने बताया कि दशहरा उत्सव के दौरान मैदान में लगाए गए अस्थाई मार्केट के कारण मैदान को काफी क्षति पहुंची है। उन्होंने नगर परिषद के अधिकारियों को रखरखाव के लिए बैठक कर उचित निर्देश दिए हैं। शहरा मेले के बाद ये मामला ध्यान में आया था कि जो ढालपुर का खास करके निचला स्पोर्ट्स ग्राउंड है वो थोड़ा सा उसको क्षति हुई है, क्योंकि उसमें काफ़ी व्यावसायिक गतिविधियां होती हैं, तो उसको लेके नगर परिषद की भी एक मीटिंग बुलाई गई थी और उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि क्योंकि प्रशासन के पास पैसा इसमें उपलब्ध है, वो एक्सपर्ट की मदद भी ले लें और ग्राउंड के रेस्टोरेशन के लिए जो भी कदम उठाने हैं वो शीघ्र अतिशीघ्र उन्हें उठाने के लिए बोला गया है। वहीं फुटबॉल संघ के महासचिव पवन ठाकुर ने भी मैदान की खस्ता हालत स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। सफाई से लेकर मैदान को समतल करने की जो भी प्रक्रिया चल रही है, ये बस एक खाना पूर्ति की तरह ही चल रही है, क्योंकि जब मैं अंदर आया इस चीज को देखने लगा तो इसमें मैंने पाया कि इसमें बहुत से पत्थर, कंकड़ और बोतलें और शीशे वगैरह जो है ऐसे दबाए जा रहे हैं, ना ही प्रॉपर तरीके से सफाई हुई है और कहीं ना कहीं प्रशासन जो है इसमें मैदान में भाग लेने वाले खिलाड़ियों तथा मैदान में जो भी एसोसिएशन अपना काम कर रही है इस समय उन सबको ठग रहा है और कहीं ना कहीं इसमें मुझे लगता है कि किसी न किसी को इसमें लाभ पहुंचाया जा रहा है। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।